नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल होम प्रोडक्ट गुरु यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बनाकर दिखाया था और आज मैं आपको बनाकर दिखाने जा रहा हूँ कि बर्तन बार कैसे बनाया जाता है, बर्तन धोने वाला टिक्की कैसे बनाया जाता है, वो आपको मैं बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा, तो कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों। और शेयर करना ना भूले दोस्तों, जो शेयर आप करेंगे तो अगले को भी फायदा पहुंचेगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है और कैसे बनता है आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो भी कुछ है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के मैं बता दूंगा कौन सा मटेरियल कितना कितना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें पड़ेगा सॉफ्ट स्टोन पाउडर। ये है डोलामाइट पाउडर, एसिड सेलरी है, कास्टिक सोडा है, कलर पिंक कलर लिया हूं, आप कोई भी कलर जो चूज करते हैं वो आप ले सकते हैं, और पानी। तो सबसे पहले हम लेंगे कास्टिक सोडा में थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारे कुछ लिख के मैं बता दूंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और इसको अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे पानी में, कास्टिक सोडा को। ये थोड़ा गर्म हो जाता है, ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बहुत जल्दी ये पानी में घुल जाता है दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल घुल गया है, ये घुल गया है। अब इसमें हम डालेंगे एसिड सेलरी डालेंगे। और इसको अच्छी तरह हम इसको मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह मिला दिए। दस्ताना पहनना ना भूले दोस्तों, बहुत गर्म है। ये देखिए बिल्कुल क्रीम कलर हो गया है, और थोड़ा से इसी में हम कलर मिलाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसी में हम थोड़ा सा कलर मिला दिया, जो कि एक कलर पिंक कलर हो जाएगा। ये साथ में मिलाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये देखिए पिंक कलर मिला दिया, और इसको हम साइड में रख दिए। फिर एक लेंगे प्लास्टिक का टब, प्लास्टिक का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, और इसमें एक एक करके दोनों चीज मिक्स करें। ये सॉफ्ट स्टोन पाउडर है, इसमें सॉफ्ट स्टोन पाउडर का ज्यादा मात्रा चाहिए और डोलामाइट का थोड़ा मात्रा चाहिए। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे दोस्तों। ये मिक्स करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल मिक्स हो गया। अब इसमें जो हम पेस्ट बनाए हैं वो पेस्ट हम इसमें डालेंगे। हम पिंक कलर बना रहे हैं, आप जो कलर चाहेंगे वो आप बना सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह आटे की तरह गुनेंगे दोस्तों। ये थोड़ा गुनने में दिक्कत करता है, लेकिन धीरे धीरे गुनेंगे तो अच्छी तरह इसको गुन सकते हैं।
इसको अच्छी तरह मिक्स करना है दोस्तों। ये देखिए जितना मिक्स करेंगे कलर उसी हिसाब से आने लग जाएगा दोस्तों। आप मशीन में डाल के भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं, मशीन में इसको डाल के अच्छा से मिक्स किया जाता है जो बराबर मिक्स हो जाए। बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा पानी की कमी है तो पानी के भी काम पूरा कर देते हैं, थोड़ा सा पानी लगेगा। आप जितना इसको अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा क्वालिटी बनेगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसको हम इस डब्बे में सांच करेंगे, इस डब्बे में हम इसको जमाएंगे। देखिए दोस्तों, और इसको अच्छी तरह हम इसको इसमें दाबेंगे। ये जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है चाहे कपड़े धोने वाला साबुन बनता है, इसको प्रेस पे बनाया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये बन के तैयार हो गया है। अब ये ना 24 घंटे में बिल्कुल सूख जाएगा। इसके पहले मैं आपको बना के रखा था, मैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बर्तन धोने वाला है, इसी में फिट आया था, इसी में बनाया था मैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही क्वालिटी का बना है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का बना है और बिल्कुल सस्ता पड़ता है। तो अगले वीडियो में कुछ और बताऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार।